नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अधिकारी वशीकरण मंत्र। देखिए दोस्तों, कई दर्शकों ने हमारे से काफी समय पहले यह आग्रह किया था कि हम अधिकारी को या बॉस को वश में करने के लिए कोई साधना आपको बताएं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास वैसे तो कई प्रकार की साधनाएं हैं जो हम आपको आगे चल के और साधनाएं भी बताएंगे, लेकिन आज हम इस वीडियो में हम आपको जो साधना बता रहे हैं वो बिल्कुल एक सरल सा प्रयोग है। इसमें कोई आपको तांत्रिक अनुष्ठान नहीं करना है, किसी प्रकार का कोई तामसिक क्रिया नहीं करनी है। बिल्कुल हम एक साधारण सा प्रयोग बताएंगे, हम आपको एक मंत्र बताएंगे। यदि आप हमारे बताए हुए विधि के अनुसार इस प्रयोग को करेंगे तो दोस्तों हम आपको आश्वासन देते हैं, सिर्फ एक दिन में आप अपने बॉस को, आप अपने अधिकारी को वश में कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, कई बार होता क्या है कि जो बॉस होता है और जो कर्मचारी होता है उनके बीच में कई बार मनमुटाव पैदा हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि जो अधिकारी होता है वह बात बात पर जो अपना जो कर्मचारी होता है उसको वो दबाने की कोशिश करता है, उसको परेशान करने की कोशिश करता है। तो उस स्थिति में जो कर्मचारी होता है वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, मानसिक रूप से उसका संतुलन बिगड़ने लगता है और उसका जो असर है वो उनके जो घर होता है घर पर भी पड़ने लगता है। जब वह घर जाता है तो घर पर भी उसका जो स्वभाव होता है वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है और अपने घर में भी वो सही तरीके से व्यवहार नहीं कर पाता है। देखिए दोस्तों, यदि महिला कर्मचारी है और उसका बॉस उसके साथ व्यवहार सही नहीं करता है तो दोस्तों उस स्थिति में उस महिला के लिए नौकरी करना बहुत कठिन हो जाता है। तो दोस्तों कई प्रकार की समस्या पैदा होती हैं। तो दोस्तों हम आपको आज इस वीडियो में एक ऐसा मंत्र बताएंगे, यदि आप हमारे दिए गए मार्ग के द्वारा, जो हम आपको मार्ग बताएंगे, जो हम आपको विधि बताएंगे, यदि उस विधि के द्वारा उस मार्ग पर आप चलेंगे और सही तरीके से आप इस प्रयोग को करेंगे तो दोस्तों हम आपको आश्वासन देते हैं पहले दिन से ही आपके अधिकारी के स्वभाव में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल हम आपको आश्वासन देते हैं। तो दोस्तों हम आपको प्रयोग बता रहे हैं, बहुत ही सरल सा प्रयोग है। दोस्तों सबसे पहले आपको दो गुलाब के फूल लेकर आने हैं। इसके पश्चात जो एक गुलाब का फूल है वो आपकी जो ऑफिस है जहां पर आप बैठते हैं वहां पर आप अपनी टेबल पर एक कांच का गिलास रख लें, उसमें पानी भर दें और एक गुलाब के फूल को आप उसमें डुबो दीजिए। और जो दूसरा गुलाब का फूल है उसको आपको अपनी जेब में रखना है। अब आपको करना क्या है, जो आपकी जेब में गुलाब का फूल रखा हुआ था उसे आप अपनी जेब में रखे रहने दें, लेकिन जो दूसरा गुलाब का फूल था जो मेज पर आपने पानी में भिगो कर रखा हुआ था आप उस फूल को गिलास में से निकाल लें और उसके पश्चात अपने सामने रखकर या फूल को आप गिलास में रहने दीजिए। और जो मंत्र हम आपको बता रहे हैं ये मंत्र सूर्य देव का मंत्र है। तो सूर्य देव का मंत्र हम आपको बता रहे हैं, यदि इस मंत्र को आप 108 बार जाप करते हैं। मंत्र इस प्रकार है, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और आपकी जो नजरें हैं वह गिलास में जो फूल है गुलाब का उस पर ही होनी चाहिए, यानी उस फूल को देखते हुए आपको 108 बार आपको मंत्र का जाप करना है। और एक बात का और ध्यान रखें, जो फूल आपकी जेब में रखा हुआ था रुमाल में लिपटा हुआ उसे भी निकालकर सामने ही रख लें, यानी दोनों फूल आपके सामने होने चाहिए। एक फूल जो रुमाल में लिपटा हुआ था उसे खोल लें रुमाल को ताकि फूल आपको दिखता रहे और दूसरा फूल गिलास में ही रहने दें। इसके पश्चात इस मंत्र का अपने ऑफिस में बैठकर आप 108 बार जाप कीजिए। यदि किसी कारणवश आप अपने ऑफिस में यह प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो यही प्रयोग बिल्कुल आप अपने घर में कर सकते हैं। प्रातःकाल जब आप पूजा करते हैं तो पूजा करने के पश्चात आप एक कांच के गिलास में पानी भरकर उसमें गुलाब का फूल रख दीजिए और जो आपकी जो पूजा स्थल है वहां पर आप रख दीजिए। उसके पश्चात आप इस मंत्र का जाप करें पुष्प देखते हुए। जब आप पूजा करते हैं तो पूजा करने के पश्चात आप इस मंत्र का जाप करें
और आप पुष्प को देखते हुए ही इस मंत्र का जाप करें। दोनों पुष्प आपके सामने होने चाहिए और आप जाप करें। इसके पश्चात एक पुष्प को आप सफेद रुमाल में लपेट कर अपनी जेब में रख लीजिए और जो दूसरा पुष्प है उसको आप कोशिश तो यही कीजिए कि वो पानी समेत ही आप अपने ऑफिस में ले जाएं। आप किसी चीज में रखकर, किसी बर्तन में रखकर आप ले जाएं ताकि वो गीला ही रहे। उसके पश्चात जब आप अपने बॉस के सामने जाएं तो आप उस पुष्प को जो पानी में भिगा हुआ था आप किसी भी पात्र में ले जा सकते हैं, जो आपको खाने का टिफिन होता है आप उसमें रख के भी ले जा सकते हैं। उसको टिफिन को साफ करके आप उसमें रख सकते हैं या किसी भी प्रकार से आप ले जा सकते हैं। लेकिन यदि आप टिफिन इत्यादि में रखकर ना ले जा सकें तो उस स्थिति में आपको उसको अपनी जेब में रखकर भी आप ले जा सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि आप उसको पानी में रखकर ही लेकर जाएं। उसके पश्चात जब आप अपने बॉस के सामने जाएं तो बॉस के सामने जाने से ठीक पहले आप मन ही मन सूर्य देव का आप अपने मन में आप उनकी जो है प्रार्थना कीजिए सूर्य देव से कि हे सूर्य देव, मैं अपने अधिकारी के पास जा रहा हूं और उनको मैं पुष्प भेंट करूंगा, जो पुष्प पानी में भिगा हुआ था वो वाला पुष्प। दूसरा पुष्प आपको अपनी जेब में ही रखना है। तो जो पुष्प पानी में भिगा हुआ था उस पुष्प को पानी से निकालकर यदि आपने जेब में पहले से रखा हुआ है ताकि व्यवस्था नहीं हो पाई आपकी पानी समेत ले जाने की, तो उस पुष्प को निकालकर और सूर्य देव से प्रार्थना करके फिर आप अपने अधिकारी के पास जाइए और उनको बड़े प्यार से भेंट कीजिए कि लीजिए सर, मैं ये आपके लिए लेकर आया हूं और इसे आप ले लीजिए। यदि वो लेने से मना करें तो आप उनकी टेबल पर आप कहीं ना कहीं वो रख दीजिए ताकि उनकी नजरें उस पुष्प पर पड़े। लेकिन कोशिश यही कीजिए कि आप अपने हाथ से ही अपने अधिकारी को यह पुष्प दें। दोस्तों, जिस दिन आप अपने अधिकारी को यह पुष्प देंगे उस दिन से ही आपके अधिकारी के स्वभाव में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि पहले दिन से ही आपके अधिकारी के स्वभाव में परिवर्तन होना शुरू हो गया है और कुछ ही दिनों में जो आपका अधिकारी था वह पूर्ण रूप से आपके वश में हो जाएगा। जो अधिकारी आपको डांटता था, आपके साथ बुरा व्यवहार करता था, वह अधिकारी आपकी बात मानेगा, आपसे सलाह लेगा और आपको अपने मतलब आपको अपना विश्वास पत्र समझेगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही सरल सा प्रयोग हमने आपको बताया है। ये एक ऐसा टोटका है, यदि आप इस टोटके को करेंगे, इस प्रयोग को करेंगे तो निश्चित रूप से जो सूर्य देव है उनकी कृपा से जो आपका जो अधिकारी के साथ जो मन मुटाव चल रहा था वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगा और अधिकारी आपके वश में हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, आज की साधना। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि जिन लोगों के साथ ये समस्या है उस तरह की उनको ये जानकारी मिल सके ताकि उनके जीवन में जो समस्या है उनका वो समाधान कर सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी।